हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे क्या, अब जैसे सपोज कीजिए ये सिलेक्टेड पार्ट है, इसमें से ग्रिड लाइन हटानी है। देखिए इसको ग्रिड लाइन कहते हैं, सेल्स में डिवाइड करके नजर आ रहे हैं। यहां से देखिए, यहां से एक लाइन आ रही है और ये डिवाइड कर रही है इस टू रो को, यहां से काट रही है, तो इसे ग्रिड लाइन कहते हैं। ठीक है, और जहां पर ग्रिड लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इससे सेल का फॉर्मेशन होता है। चारों तरफ से काट देंगे तो एक सेल बन जाएगी। ठीक है, अब इस ग्रिड लाइन को हम हटाना चाहते हैं, ये दिखे ना हमें, तो तरीके कई हो सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि यहां पर आपको डायरेक्टली व्हाइट कलर चूज करना है। ये देखिए, यहां पर जाइए और यहां से व्हाइट कलर चूज कर लीजिए, अब ये ग्रिड लाइन गायब हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जहां से आपको ग्रिड लाइन हटाना हो, या फिर आप पूरे पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब पे। ठीक है, तो ये व्यू टैब पे चले जाइए और व्यू टैब पे जाने के बाद आपको ग्रिड लाइन, ये टिक है, इसे अनटिक कर देना है। तो ये पूरे पेज से ग्रिड लाइन हट जाएगी, देख सकते हैं ग्रिड लाइन हट चुकी है। अब फिर इसको वापस लाना है तो यहाँ ग्रिड लाइन पर टिक कर देंगे तो ये वापस आ भी जाएगी। ठीक है, अब अगला तरीका क्या है जिससे आप ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। ग्रिड लाइन को हटाने का जो अगला तरीका है वो आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब में। ठीक है, पेज लेआउट टैब में जैसे ही जाते हैं तो ये देखिए, यहां से मैंने ग्रिड लाइन हटा दी थी, यहां पर आपको मिल जाएगी ग्रिड लाइन, तो इस पे अनटिक कर दीजिए। तो अब देखिए, ये मैंने क्या किया, पूरे पे मैंने ग्रिड लाइन पूरे से हटा दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पर ग्रिड लाइन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, जैसे इस पर टिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन फिर दिखाई पड़ने लगेगी। यहां पर क्यों नहीं दिखाई पड़ी है, क्योंकि मैंने इसे सिलेक्शन में लिया था और सिलेक्शन में लेकर के इसका कलर जो है व्हाइट कर दिया था, दैट्स व्हाई ये ग्रिड लाइन हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और लास्ट में बच जाता है तरीका, वो ये है कि सिलेक्टेड पार्ट को शॉर्टकट की से हम ग्रिड लाइन कैसे हटाएं। तो आपको प्रेस करना है, मेरे साथ बोलिए Alt W V G। तो ये जैसे ही आप Alt W V G प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड पार्ट से ग्रिड लाइन अपने आप हट जाएंगी। अब मान लीजिए फिर से लाना हो तब क्या करेंगे, तो आपको प्रेस करना है, फिर मेरे साथ बोलिए Alt W V G। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो फिर आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।